रहेंगे। चलो तो फिर यार लाइक मार दो अभी से वीडियो पर और बैठ जाओ एकदम रिलैक्स होकर। तो गाइस सबसे पहले यार सबसे कूल बाइक या फिर कह ले तो एक ऐसा मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा ये आपके लिए, जिसके बारे में ना तो आपने सुना होगा और ना ही देखा होगा। लिटरली ये बी टाइटन बाइक दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्सप्लोरर बाइक्स में से एक है और इसे जैसे आप जमीन पर लेकर जा पाओगे वही ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी बोट में, जिसे आप पानी के ऊपर भी राइड करा सकते हो। लाइक अगर आप ट्रैवल करते हैं और कैंपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो ये बाइक कंपैटिबल है ऐसी सभी कंडीशंस के लिए। बेसिकली इसमें दो लोगों के लिए अच्छा खासा स्पेस दिया होता है। लाइक अगर आप चाहो तो अपनी गर्लफ्रेंड को एक सीक्रेट जगह पर लेकर जा सकते हो फ्री में, पानी के ऊपर खुली हवा में रोमांटिक डिनर से लेकर अच्छा खासा स्टे भी लेना चाहो तो ले सकते हो। फिकर नॉट कि इसमें कोई दिक्कत आने वाली है। ये बाइक जिसे आप साइकिल की तरह तो यूज ही कर पाओगे, लेकिन ये ई बाइक के साथ आपको लॉन्ग रेंज प्रोवाइड कराती है। एट द एंड कि इसके लुक्स भी अपने आप में ही नेक्स्ट लेवल है। वेल तो बी ट्राइटन बाइक अनएक्सपेक्टेड बाइक रह जाती है हम सभी के लिए। और सही बताना इसमें आप सबसे पहले किसे राइड पर लेकर जाना चाहोगे। दोस्तों नेक्स्ट में आ जाता है सबसे कूलेस्ट इलेक्ट्रिक बोर्ड। एग्जैक्टली गाइस, नियॉन नाइट्रो 8 वन व्हील सेल्फ बैलेंसिंग स्केटबोर्ड है और इसे जैसे ही आप राइड करने जाओगे ये एक्टिवेट हो जाता है और इसमें गायरोस्कोप टेक्नोलॉजी मिलने वाली है जो कि इसकी राइड्स को और भी स्मूथ बना देती है। इसके मिड में एक बड़ा सा हैवी टायर लगा हुआ है, लेकिन इसकी लाइटनिंग इफेक्ट्स जो है वो वाकई इस बोर्ड को अलग और आई कैचिंग बनाती है। मतलब देखते ही कोई भी इसका फैन हो जाएगा। इसे आप 8 माइल्स पर आवर की स्पीड से चला सकते हो। सो वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड आ जाता है ये आपके लिए। और अगर आपको ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना मत भूलना। अब गाइस नेक्स्ट में आ जाती है कावासाकी इलेक्ट्रोड बाइक, जो कि खास तौर पर किड्स के लिए बनाई गई है। और ये कोई नॉर्मल बाइक नहीं है, प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक है। और इसमें आपको वो सब मिलने वाला है जो कि किसी भी सुपर बाइक में होता है। जैसे कि इसके व्हील्स तो देखो, अलॉय व्हील्स दे रखे हैं, डिस्क ब्रेक्स और 16 इंचेस के टायर लगे हुए हैं। इसमें आपको अलग अलग मोड्स भी मिल जाते हैं जो कि स्पीड एज वेल एज सेफ्टी के लिए काम करते हैं। ये लाइट वेट एल्यूमिनियम फ्रेम से बनी होती है, जिससे जबरदस्त पिकअप स्पीड तो मिलती ही है एज वेल एज ये फ्रेम ड्यूरेबल भी बनाती है। ये 13 माइल्स पर आवर की स्पीड से चलती है और इसे आप लगातार 2.5 घंटे तक राइड कर सकते हो। वेल तो प्रॉपर किड्स के लिए कावासाकी की तरफ से आने वाली ये बाइक आप ले सकते हो, जो कि वाकई अपने आप में ही गजब की बाइक हो जाती है। दोस्तों सेफ्टी के एस्पेक्ट से देखा जाए तो इंडिकेटर्स बेहद ही इंपॉर्टेंट है। लाइक कितनी भी महंगी सी महंगी बाइक ले लो, टर्निंग सिग्नल्स ही नहीं मिलते। लेकिन ये फ्लैशर गैजेट लाया हूं आपके लिए जो कि किसी भी टर्निंग सिग्नल से बिल्कुल ही अलग तरह से काम करते हैं। देखो वैसे भी आपकी आदत है हाथ फैलाकर टर्न होने की, तो सोचा क्यों ना कुछ ऐसा ही लेकर आ जाऊं आपके लिए। जी हाँ, इन्हें आप हाथों में स्ट्रैप करके यूज कर सकते हो। ये फ्लैशर लाइट्स मोशन एक्टिवेटेड है, जो कि जेस्चर्स के साथ रिमोट कंट्रोल्ड भी है। इन्हें ऐसे टर्निंग सिग्नल्स की तरह तो यूज ही कर सकते हैं। वहीं गाइस इनकी विजिबिलिटी कमाल की है, आराम से इन्हें डे एंड नाइट मोड में देखा जा सकता है। एज अ सेफ्टी परपज ये फ्लैशर लाइट्स कमाल की रहेंगी आपके लिए। दोस्तों अक्सर आप मैप लगाकर निकलते हो और रास्ते भर फोन को निकालकर रुक रुक कर देखना जितना अनसेफ है उतना इरिटेटिंग भी है। सो फोन को रख दो अपनी जेब में ही, बस ये छोटा सा गैजेट लगा लो अपनी बाइक पर और ये आपको नेविगेट करेगा कितनी भी दूर जाना हो, कहाँ टर्न लेना है और बाकी सारी इन्फो आपको यहीं पर मिलने वाली है। यह है बी लाइन वेलो 2, जो कि नेविगेशन वगैरह के साथ आपको स्पीड एंड बाकी सारी चीजें इस छोटी सी डिस्प्ले में देखने को मिल जाती हैं। एंड इसकी डिस्प्ले ब्राइट इनफ है डे लाइट में भी। ये सेकंड्स में ही अटैच और डिटैच दोनों ही हो जाती है। जैसे ही राइड खत्म हो इसे आप वापस से निकालकर पॉकेट में रख सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट में आ जाता है ये हिप लॉक, जो कि एक तरह का फोल्डेबल लॉक रहेगा आप सभी के लिए। दोस्तों आज साइकिल और बाइक चोरी होने में कोई बड़ी बात नहीं है, नजर हटी और गायब। और ऐसे साइकिल यूजर्स हमेशा ही कैरी कर सकते हैं इस तरह के फोल्डेबल लॉक को, जो कि सबसे पहले इस तरह से फोल्ड हो जाता है और इसे कैरी करने की भी झंझट नहीं रहेगी। आप अपनी बाइसिकल पर ही इसे स्टक कर लेंगे। वहीं गाइस ये ड्यूरेबल स्टेनलेस स्टील से बना होता है, जिसे कि इसे नॉर्मल कटर से कट करने से लेकर हैमर मारकर भी आप इसे पूरी ताकत से तोड़ोगे तब भी ये ब्रेक नहीं होगा, यानी पसीने छोड़ दोगे आप इसे तोड़ना चाहोगे। सो वेल, अगर आप भी अपनी बाइसिकल के लिए काफी अवेयर हैं और चाहते हैं आपकी बाइक चोरी ना हो सके, तो इस तरह का फोल्डेबल लॉक एक अच्छी चॉइस रहेगी आपके लिए। दोस्तों बाइक राइडिंग करते वक्त सेफ्टी की बात करें तो टर्निंग सिग्नल्स एंड विजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। वहीं साइकिल ड्राइव कर रहे हैं तो आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो कि सेफ्टी प्रोवाइड करे, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं इस तरह के गैजेट को तो ये आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी एंड रोड सेफ्टी प्रोवाइड कराता है।
इसे यूज करना बहुत ही इजी है। जब भी आप अपनी साइकिल पर जाते हैं तो बस इस जैकेट को पहन लीजिए। इसका रिमोट कंट्रोलर माउंट हो जाता है आपके हैंडल बार पर। उसके बाद अपने टर्निंग सिग्नल्स एंड बैक लाइट्स रहेंगी जो कि इजीली विजिबल रहेंगे दिन और रात में। इसके यूज सिर्फ साइकिलिंग पर ही नहीं, आप इसे अपने स्केटबोर्डिंग पर जाएं या फिर बाइक राइड करने जाएं, दोनों ही जगह पर ये गैजेट एकदम परफेक्ट रहेगा आप सभी के लिए। दोस्तों अगर आप टूरिंग या फिर जंगल सफारी या फिर फॉगी एरियाज में निकल रहे हैं तो एक इमरजेंसी लाइट सबसे इंपॉर्टेंट गैजेट होती है आपकी गैजेट इस पर, और ऐसी ही ये इमरजेंसी लाइट आ जाती है आपके लिए। वैसे इसमें आरजीबी फंक्शंस हैं जिससे ये मल्टी वेज में यूजफुल तो रहेगी ही आपके लिए, और इसमें टाइप सी चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलने वाला है। इसका बैटरी बैकअप भी काफी सही रहता है, 48 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है आपको इस लाइट पर, जो कि काफी ज्यादा है किसी भी इमरजेंसी लाइट से। तो गाइस अगर आप भी एक पॉकेट साइज इमरजेंसी लाइट लेना चाहते हो तो ये गोबर लाइटनिंग टूल कमाल का गैजेट रहेगा आपके लिए। गाइस आपने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी, जब भी हम साइकिलिंग पर निकलते हैं हवा हमेशा ही कम मिलती है, और ऐसे में एक बड़ा सी पंप लेकर निकलना तो मुश्किल पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आप टेंशन क्यों ही लेना, क्योंकि ये टाइनी ई पंप है ना, सेकेंड्स में ही आपकी हवा भर देगा। जी हाँ, मुश्किल से मुश्किल एक मिनट लगेगा, एक टायर को फिर से रिफिल कर देगा। ये गैजेट बैटरी बेस्ड होता है, जब भी आप घर से निकलो इसे लेकर जरूर निकलना। इन एनी हाउ अगर आपकी बाइक पंचर हो जाती या फिर हवा ही निकल जाती है तो ये छोटू गैजेट बड़े ही काम की चीज रहेगी आपके लिए। वैसे गाइस हेलमेट लगाना आजकल किसी को भी पसंद नहीं है, तमाम बहाने मिल जाते हैं ना लगाने के, तो ऐसे में ये वाला हेलमेट जिसके भी पास होगा वो डेफिनेटली इसे लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि ये हेलमेट स्टाइलिश एंड सेफ्टी का टॉप नॉच कॉम्बो है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये फोल्डेबल है, यानी कि जैसे कॉमन हेलमेट्स को लिए लिए घूमना पड़ता है, लेकिन इसे ऐसे फोल्ड कर आप कैरी कर सकते हो, टांगने की झंझट ही खत्म। वैसे इस हेलमेट में आपको ये लाइट्स भी मिल जाती हैं जिनका डिजाइन कुछ ऐसा है कि इन्हें किसी भी एंगल से देखा जा सकता है, यानी कि अब आपकी साइकिल पर विजिबिलिटी का एक बड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो फाइनली अगर हम साइकिल को मॉडिफाई करना स्टार्ट करें तो रिम्स पर हम सबसे पहले फोकस करते हैं, और यकीनन ये रिवो लाइट्स आपके रिम्स को एक अलग ही लेवल का मॉडिफिकेशंस देती हैं। बेसिकली हम हमेशा ही अपने टायर पर लाइट्स को देखना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ कूल से दिखने के लिए नहीं है, इनका यूज एज ए फ्रंट और टेल लाइट्स की तरह भी हम कर सकते हैं। वैसे तो ये लाइट्स आपको मल्टी कलर्स में मिलेंगी, लेकिन जब भी आप इसे रोड पर चला रहे होंगे ये एज ए फ्रंट लाइट आपको व्हाइट दिखेंगी और बैक पर आपको रेड। इसमें खास तरह के सेंसर्स लगे होते हैं जो कि सेंस करते हैं आपके ब्रेकिंग सिस्टम को भी, जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो तो इसकी बैक लाइट ब्लिंक करने लगती है। तो ये एक तरह से कमाल का गैजेट रहेगा जो कि यूजफुल तो होगा ही, साथ ही एक जबरदस्त मॉडिफिकेशन रहेगा आपकी सुपर बाइक पर। वेल तो गाइस आज की इस गैजेट सीरीज में इतना ही। कौन सा वाला गैजेट आपको बेस्ट लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप भी देखते रहे ऐसी कमाल की वीडियोस। सो गाइस मिलता हूं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए धांसू गैजेट्स के साथ में। टिल देन बी सेफ, बाय।